आ जाओ, सुनो मेरी बात, जो कल की क्लास थी वो संडे में रहेगी आपकी, ये टाइमिंग से आप नोट कर लो। क्यों कहाँ जाने, संडे को डेप्रेशन स्टार्ट होगा बेटा, पहले बता देता हूँ, छुट्टी मत मार जाना किसी भी हालत के अंदर, या टेस्ट ले लेते संडे को के अंदर। ये कहा ना आपने, मैं समझाता हूँ आपको, ये देखो मैं आपको फुल टॉपिक समझाता हूँ, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। इधर देखो, सबसे पहले आप मेरे साथ लिखो अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। यहां प्रॉब्लम आ रही है ना, जब अंडरकास्ट होता है या ओवरकास्ट होता है, राइट। तो लो मैं आपको केसेस बनाता हूं, केस नंबर वन। पहले हम अंडरकास्ट के केसेस करते हैं, फिर ओवरकास्ट के करेंगे, राइट। लेट अस डू द केसेस ऑफ अंडरकास्ट। जब कभी भी आप अंडरकास्ट की बात करो, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम दिखा देना, कम लिख देना, राइट। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा, अंडरकास्ट का मतलब कम, पहले ये समझो। अब देखो होगा क्या, ये है हमारी कैश बुक, आप भी बना लो, दिस इज कैश बुक। और सारे कॉलम मत बनाओ, सिर्फ हमें समझना है। तो ये कैश बुक के दो कॉलम है, यहां पे पर्टिकुलर्स आए, फिर ये दो कॉलम है, और फिर यहां पर्टिकुलर्स आए। ये हमारी कैश बुक है, और कैश बुक के अंदर ये है कैश कॉलम, ये है बैंक कॉलम, और यहां है हमारे पर्टिकुलर्स, फिर ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, और यहां हमारे पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। सारे कॉलम मैंने नहीं बनाए, वो बैंक अलग अलग छोड़ दो अभी, उसकी जरूरत नहीं है, हम तो समझ रहे हैं। ये कौन सी साइड होती है, और ये यहां पे हम क्या दिखाते हैं, सारी की सारी, और यहां क्या दिखाते हैं। जब कभी भी किसी को हम पेमेंट करते हैं तो कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, और जब कभी भी पैसा आता है तो कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। ये तो आपने समझ लिया ना, कैश बुक का चैप्टर खत्म कर दिया है। अब देखो इधर प्रॉब्लम है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। अंडरकास्ट दोनों तरफ हो सकती है, इस साइड भी और इस साइड। अंडरकास्ट जो है वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन दोनों का अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सामने बनाओ वर्किंग नोट, इधर यहां लिखो वर्किंग नोट, यहां लिखो कैश बुक, यहां लिखो पासबुक। जो वर्किंग नोट आप बीएस के लिए बनाते हो वो बना लो, ताकि आप हमेशा के लिए समझ जाओ। अब दोबारा कभी भी इसको आप कहीं समझोगे नहीं, यही समझ जाओगे, राइट। इसको आप एक फाइनल पेज पे उतार लेना घर जाके, राइट। अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट, मैं पहले एंट्री पास करता हूं इधर, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या लिखे, रिसीट साइड या डेबिट साइड, छोड़ो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय रूपीज 200। ऐसे एंट्री आती है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय रूपीज 200। सुनो ना मेरी बात, अगर डेबिट साइड है तो बोलो डेबिट साइड कौन सी होती है, जब पैसा आता है, यानी पैसा ज्यादा आया और हमने क्या किया, कम दिखा दिया, यही मतलब होना इसका। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, ये वाली साइड की बात कर रहा है और इसकी बात नहीं कर रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश कॉलम, वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम, यानी पैसा कहीं से ज्यादा आया और हमने कम दिखा दिया, लेकिन बैंक में तो पूरा चेक चला गया हो, बैंक के अंदर क्या आते हैं, चेक आते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, चेक received from Naman of rupees 2200. भाई कितने का चेक आया, और आपने क्या किया, यहां दिखाया टू नमन, दिस इज कॉल्ड अंडरकास्ट। चेक कितने का आया, लेकिन आपने गलती से कितना दिखा दिया, मुझे बताओ इसका इस वर्किंग नोट पे क्या इफेक्ट हुआ होगा, हमारी कैश बुक माइनस में चल रही है, हम कम दिखा रहे हैं 200 से, हम जो है वो 200 रुपए से कम दिखा रहे हैं, और बैंक जो है वो 200 रुपए से ज्यादा दिखा रहा होगा, यही तो होगा इसका। ये हो गया पहला केस, राइट।
आ जाओ आप इसके अंदर केस नंबर टू, इसी में केस नंबर टू करते हैं, इसी के अंदर अंडर कास्ट में। केस नंबर टू के अंदर बोलता है ये लो, बोलता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय रुपीज 500। भाई अब क्या हुआ, क्रेडिट साइड कौन सी होती है कैश बुक की? पेमेंट साइड। इसका मतलब क्या है पहले समझो, हमने किसी को पेमेंट की मान लो ज्यादा और दिखाई कितनी, यानी हमने किसी को पेमेंट की, वी हैव गिवन समवन चेक से 5,500। इसका मतलब मैंने किसी को चेक दिया बाय मोहिनी, कितने का चेक दिया लेकिन दिखाया कितना। अब देखो क्या होगा, इधर चेक इश्यूड टू मोहिनी ऑफ रुपीज 5,500, कितने का चेक दिया मैंने लेकिन दिखाया कितना। इस लाइन का ये मतलब है, अच्छा मैंने कम दिखाया ना, पेमेंट मैंने की 5,500 पर दिखाई कितनी 5,000। बताओ ना यहाँ क्या इफेक्ट है, कैश बुक में हम प्लस में चल रहे होंगे, पासबुक में माइनस, क्योंकि हमने तो ज्यादा पैसा दिया पर पासबुक बैंक, हमने पेमेंट कितनी की 5,500 पर दिखा कितने रहे हैं, तो हम प्लस में चल रहे होंगे, यानी हमारे पास पैसा दिख रहा होगा, लेकिन असली में क्या होगा, साथ लिखते रहे ना ये केस टू, ये क्या इश्यूड मैंने कहते हैं हमने पेमेंट की है, यहां हमने पेमेंट की है, मैंने एग्जांपल लिया है चेक इश्यूड टू मोहिनी 5,500, ठीक है। वहां ऐसा नहीं आता, वहां तो ये आता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, ऐसे लिखा आता है ना। तो 500 रुपए की हमने अंडर कास्ट की है, पेमेंट असली में की है 5,500 लेकिन दिखाया कितना है 5,000, तो हम अभी प्लस में दिखा रहे होंगे और बैंक ऑलरेडी माइनस में चला जाएगा 500 से, क्योंकि बैंक के अंदर पूरा चेक चला गया, समझ में आई बात। चलो इसको मत देखो अभी, तो एग्जांपल लिया है, तो दोनों केस हो गए, अंडर कास्ट हो गया रसीद के अंदर भी, अंडर कास्ट हो गया पेमेंट के अंदर। अब है ओवर कास्ट, अब हम केस करते हैं किसके, ओवर कास्ट वाले केस करते हैं। आ जाओ केस नंबर थ्री, ये लो केस नंबर थ्री, मैं ये हटा देता हूं, ये लो देखो क्या बोलता है, रिसीट साइड या डेबिट साइड लिखे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹1,000। नहीं दे दी, नहीं रिसीट। अब देखो ना इसका मतलब क्या है, पहले एंट्री समझो, डेबिट साइड कौन सी होती है जब पैसा आता है, रिसीट साइड, यानी पैसा किसी से आया 9,000 और आपने लिख कितना दिया 10,000, 1,000 ज्यादा लिख दिया, पैसा किसी से आया 9,000 चेक और आपने एंट्री करते हुए एंट्री कर दी 10,000, हो सकती गलती, किसी से 9,000 का चेक रिसीव किया और गलती से क्या दिखा दिया 10,000। मुझे बताओ अगर आपने अपनी बुक में 10,000 दिखा दिया, मतलब 1,000 फालतू दिखा दिया, तो आप में और बैंक में क्या फर्क आएगा, हम प्लस में चलेंगे और बैंक, क्योंकि बैंक में तो 9,000 गया ना, तो यार क्या बात है, ये लो हम लोग प्लस में होंगे 1,000 से और बैंक माइनस में होगा 1,000। ये ओवरकास्ट कौन सी साइड, रिसीट साइड। अब यही काम उल्टा भी हो सकता है, वो बोल सकता है केस नंबर फोर के अंदर, दिस इज केस नंबर फोर, वो बोल सकता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपीज 500,
क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर कास्ट बाय रुपीज 500, ये लो। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड कौन सी होती है? यानी आपने क्या किया गलती से मालूम? आपने आपने किसी को पेमेंट की 5000 की, पेमेंट की किसी को 5000, मतलब मान लिया मैंने मनीष को पेमेंट की 5000, लिखा बाय मनीष और लिख क्या दिया 5000। अच्छा क्या होगा उस बैंक प्लस में चलता होगा, यानी हमने पेमेंट की 5000 की और लिखा क्या दिया 5500, तो हम माइनस में चले जाएंगे और बैंक प्लस में होगा। बैंक में अभी तक 5000 निकले होंगे पर हमारी कैश बुक में कितने निकल जाएंगे 5500। कितना सिंपल है, हम माइनस में होंगे 500 से और बैंक प्लस में होगा 500, इतनी सी बात होगी। हो गए ओवर कास्ट के दोनों केस, अंडर कास्ट के दोनों केस, दिस इज अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट। अब देखो समस्या कहाँ है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये चैप्टर मांगते हैं रोज के रोज साथ के साथ रिवीजन। जो टॉपिक अभी आपने ये किया छोटा सा, मैंने आपको चार केस बना के समझाए, दो अंडर कास्ट दो ओवर कास्ट, इसकी आपको रिवीजन करनी है घर जाकर। ये रिवीजन वाले चैप्टर हैं, अब वो दिन चले गए, मस्ती वाले दिन चले गए, मैंने आपको पहले कहा। अब सीरियस दिन आ चुके, नॉट ओनली तुम दोनों की बात कर रहा हूं, मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूं। अब सीरियस दिन है, ये पढ़ाई करने के सीरियस दिन दोनों सब्जेक्टों में, दोनों सब्जेक्ट के अंदर जिस दौर से आप गुजर रहे हो ये सबसे कठिन दौर है। यहां बड़े बड़े हार मान जाते हैं, वहां पे भी जो यूनिट हम कर रहे हैं, जो यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है, मैंने आपको कल ही जब चैप्टर स्टार्ट किया तो क्या बोला कॉस्ट का, बोलो क्या बोला, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग चैप्टर वी आर स्टार्टिंग नाउ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बड़े बड़े बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं यहाँ, या फिर रट्टा फिकेशन मार के काम चलाते हैं, जो 11th में रट्टा मारते हैं ना वो 12th में धाराशाही हो जाते हैं। मैं कभी भी 11th क्लास के लिए नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, अगर 11th के लिए पढ़ाना होता ना तो अभी तक दो बार सिलेबस खत्म करवा दिया होता, अगर 11th क्लास के लिए पढ़ाना होता तो दो बार सिलेबस खत्म हो गया होता। मैं तो आपको आपकी लाइफ के लिए पढ़ाता हूँ और 12th क्लास के लिए पढ़ाता हूँ। ये इतना डीप में जाके बात को समझाना, अभी आपके सामने खड़े खड़े मैंने एक केस बनाया, एग्जाम्पल बनाया, कैश बुक बनाई, वर्किंग नोट बनाया, क्यों किया मैंने सब ये? आप मैं भी तो रट्टा लगवा के लिखवा देता चार लाइन और चला जाता, ताकि आपके लिए सारी उम्र के लिए आपके लिए पक्का हो जाए। आप इन केसों को रिवाइज करके घर में अपने लिए पक्का कर लो कि हमने क्या पढ़ा। आई मेरी बात सुनो, मैं कभी भी 11th क्लास की स्टडी आपको नहीं करवा रहा हूँ, 11th के पैटर्न से तो हम पढ़ ही नहीं रहे बेटा, इस बात को दिमाग में डाल लेना। अपना तो पैटर्न ये है कि बीकॉम के अंदर आपको ट्यूशन न पढ़नी पड़े, और 12th क्लास में याद करोगे आपके सर ने पढ़ाया, अरे कितनी बातें क्लियर हो गई दिमाग के अंदर। दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे, हमारे दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं। ये जब शुरू शुरू में आई थी तो इकोनॉमिक ट्यूशन नहीं पढ़ती थी, मालूम है आप कितना इसको मैंने फोर्स किया, यहां तक कि डैडी को भी मैंने एक बार कहा इसको बोलो कि इको पढ़े, मैं जानता हूं इको क्या है, अपने पढ़ते लगता है इको तो पढ़ सकते अपने आप, मैं जानता हूं हम मुझे मालूम है ये सब्जेक्ट कैसे है, मैं अच्छे से समझता हूं सब्जेक्ट, 500,000 रुपये मेरा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं कि होशियार बच्चे के लिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये बहुत पढ़ने में अच्छी थी, अकाउंट्स अच्छा कर रही थी, याद है शुरू शुरू में एक महीना नहीं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट एक मंथ, ये जरूरी है पढ़ना। अब जिस टॉपिक में हम इकोनॉमिक्स के अंदर हम हैं, प्रोडक्शन फंक्शन से जहां से हमने स्टार्ट किया, दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यही सेम बात सेम चैप्टर एवरीथिंग सेम विद एडवांस बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तब तो फर्स्ट जाओ, 11th में तो पढ़ा नहीं होगा, रट्टा एप्लीकेशन किए हो वहां पर, और यही सेम अकाउंट्स वहां पढ़ोगे बीकॉम, यही बीआरएस बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, यही सेम बीआरएस। इसलिए कोई भी डाउट दिमाग में आए मुझसे पूछ लो, कभी भी घबराओ नहीं कि यार सर डाउट पत्नी कब क्लियर करेंगे, अरे यार मैं तो दिन दे रहा हूं, आज का पूरा दिन दिया, पूछ लो वैसे कोई भी और डाउट है, और कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन करवा दूं 19, 20, 21 जो तीन नहीं आ रहे करवा दूं, चलो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहे, आ जाओ आ जाओ। अच्छा देखो पता बड़ी बात क्या है, मैं लाइव क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ बच्चों को, कभी कभी कोई आंसर नहीं भी आए तो आपको इसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, तो मैं भी इंसान हूं आपकी तरह, कभी कभी मैं भी कोई गलती कर सकता हूं। ये लो आ जाओ फटाफट,
हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मतलब तूने ट्राई कर लिए पायल पर आंसर नहीं आ रहे, अब देख कैसे आते हैं। हाँ बोलो। हाँ किसका, किस कौन से क्वेश्चन का? 18। ओके मैं भी करता हूँ, पहले मैं बना दूंगी। हाँ 18 के बी पार्ट में डी। हाँ चेक ऑफ 600 रिसीव पॉजिटिव एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। हाँ बॉस अकाउंटेड एज अ रिसीव इन कैश फॉर द कैश। हाँ देखा क्या हुआ, चेक आया बैंक के अंदर सही अपनी जगह पे, क्रेडिट हो भी गया, पैसा बैंक के हमारे क्रेडिट अकाउंट में आ गया, मतलब क्रेडिट हो गया मतलब पैसा आ गया, लेकिन हमने पता क्या किया, कैश बोलेंगे हमने उसे यहां दिखा दिया टू, मान लो आपसे चेक आया टू पायल और दिखाना कहां चाहिए था बैंक में और दिखा कहां दिया कैश में, तो मुझे बताओ क्या हुआ होगा, हम तो माइनस में चल रहे हैं और बैंक प्लस में चल रहा हूँ 600 रुपए। चेक आया हमने जमा भी करवाया, पैसा भी हमारे अकाउंट में आ गया, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन हमने अपनी कैश बुक के अंदर उसे डेबिट साइड में दिखाया भी सही, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कौन से कॉलम में दिखा दिया गलती से, जहां मैंने क्रॉस मारा था ना वो वाले कॉलम में दिखा दिया गलती से, हमने उसको ऐसा कैश रिसीट दिखा दिए, ना तो हमारा कैश मिलेगा ना हमारा बैंक मिलेगा, तो हुआ क्या होगा, हम माइनस में होंगे और बैंक प्लस। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं आज, इनफैक्ट तीनों खत्म कर देंगे, तीनों हो जाएंगे, जरा तेज चलते हैं। ऑन 30th June 2014, मेरे पास 14 है आपका डिफरेंट होगा, पासबुक शो अ बैलेंस ऑफ 5200। ओके अगर पासबुक 5200 बैलेंस शो कर रही है और ना ही बताया डेबिट और ना ही बताया क्रेडिट, इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है। अगर नहीं बताया गया और पासबुक बैलेंस लिखा है सिर्फ, आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने मेरे से, आपने पूछा था अगर पासबुक में बैलेंस बोला गया है, नहीं बताया डेबिट नहीं बताया क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तो है नहीं, प्लस माइनस की बात है, अगर नहीं बताया तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, प्लस का बैलेंस है, कितना है 5000। लो अगले 15 मिनट में तीनों क्वेश्चन करेंगे, बस मुंह बंद कर लूंगा मैं। अच्छा पहला बोलता है आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 16,000 डिपोजिटेड, तो मैं क्या लिखूं पहले, लो चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 9,000 वर क्रेडिट इन द जून। ओके जून का महीने की रिकंसिलेशन हो रहा है, 16,000 के चेक हमने जमा करवाए उसमें से 9,000 के तो जून में ही क्रेडिट हो गए, फिर क्या बोलता है चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000 वर क्रेडिट इन द जुलाई, एक तो ये गलती है और दूसरा एंड द रेस्ट चेक्स हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, बाकी अभी तक क्रेडिट हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब मिस्टेक कितने की है, इसका मतलब 16,000 में से 9,000 को माइनस करें तो कितने की मिस्टेक हुई, 7,000 की मिस्टेक है, तो 7,000 के चेक हम प्लस में है और बैंक के अंदर ये अभी तक क्रेडिट हुए ही नहीं। लो जी पहली गड़बड़, आ जाओ दूसरी, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 ड्रॉन, ड्रॉन का मैंने इशू लिख लो, नहीं लिखा तो इशू, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500 वर प्रेजेंटेड इन जून 2014। सुनो उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमने 45,000 के चेक इशू किए उसके अंदर से 7,500 के चेक जो है वो जून में क्लियर हो गए, प्रेजेंट हो गए, उसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो प्रॉब्लम किसकी है जो बच गए, 45,000 के अंदर से अगर हम 7,500 को माइनस करें 45,000 में से 7,500 तो 37,500, ये वो चेक है जो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी हम माइनस में हैं और बैंक। लो कहानी खत्म, आओ आगे पढ़ें। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, जब कभी बैंक क्रेडिट करता है तो क्या करता है, पैसे देता है, कितना रॉन्गली दे दिया बैंक ने, तो क्या हुआ होगा,
अरे पैसा दिया उसने हमारे को, क्रेडिट टू अवर अकाउंट, बैंक ने पैसा दे दिया 3400 और हम माइनस में है, हमें मालूम ही नहीं, रॉन्गली दिया पर दिया तो सही। उसके बाद पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय रुपया, देखो देखो इधर इधर देख लो, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मैंने कम दिखाया, मेरी बात सुनो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, यानी हमने ऐसा सोचा करो, हमने किसी को पेमेंट की 2200 रुपए पर दिखाई कितनी 2200 से कम दिखाई, क्या हुआ होगा उससे, हम प्लस में हो गए होंगे कितने से, और बैंक माइनस, चलो फिर बोलता है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन जून 2014 बट सेंड टू बैंक इन जुलाई, ले हमने रिकॉर्ड कर दिया पर बैंक में कब भेजा, आ गया ना फर्क, कितने का चेक है बताओ 2500, यानी हमने रिकॉर्ड किया तो क्या कर दिया और बैंक में तो गया ही नहीं चेक, डिपॉजिट ही नहीं किया। आ जाओ आगे, अ चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, एक चेक जमा करवाया था बाउंस हो गया, कितने का 20,000 का, बोलो क्या हुआ होगा, बैंक माइनस में चला गया, चेक बाउंस होते हैं और हम लोग अब ठीक है जी लो तो लिखो क्या लिखोगे, माइनस वाला अगेन मिल गया, एक ये ठीक है, कितना यह गलत है, टोटल गलत क्या, इससे टोटल गलत क्या है, इसका तो एक ही मतलब है, बहुत बुरा हो गया इंसान, ओहो ये कैसी तब्दीली है, इससे ये पता लगता है कि इंसान जो है बहुत बुरा हो चला है, अब इसे काम छोड़ देना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास पैसा होता है कैश बुक में तो क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब पासबुक में पैसा हो तो क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस एज पर, आप सुनो इधर, यहां से हमने शुरुआत की लेकिन गलती से ये साइड का टोटल ज्यादा आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, देखो मंडे को सुबह हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, मंडे की क्लास ये मेरे टाइम है, गलती से पहली क्लास मिस मत कर देना और लेट मत होना डेप्रिसिएशन की क्लास, आज मंडे को 24 सुबह खा लें ताकि आप रात के टाइम लेट नहीं हो, ठीक है आ जाओ, ये हो गया 19, ठीक है आओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर, ये इसको रहने देते हैं कि इसमें काम आए, लो ये भी जून है, ऑन 30th June 2014 द पासबुक ऑफ श्री महावीर प्रसाद शोड अ बैलेंस ऑफ 22,000, कुछ नहीं बोल रहा डेबिट क्रेडिट, तो कौन सा बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस कितना, फिर बोलता है आगे महावीर प्रसाद हैड पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिट इन द बैंक, क्या लिखूं,
सब कुछ देख रहा होगा कि सर कॉफी खा रहे हैं। डिपोजिट का मतलब प्लस क्या किया इसने जरा बताओ महावीर प्रसाद ने। हैड डिपोजिटेड इनटू द बैंक अ चेक ऑफ रुपीज 3,000, 6,000, 8,000 और 10,000। चार चेक जमा करवाए, प्रॉब्लम क्या वो देखते हैं। आउट ऑफ दीज द चेक ऑफ रुपीज 6,000 वॉज क्रेडिट बाय बैंक इन जुलाई, तो किसकी प्रॉब्लम है बताओ। इसी 6,000 की प्रॉब्लम है। अरे सुन रहे इधर अंकुश, कितने की प्रॉब्लम है? 6,000 की। यही 6,000 का चेक हमने क्या है प्लस में दिखाया और बैंक के अंदर जुलाई में आया। लो पहला हो गया फाइन, ट्रांजेक्शन हो गया पूरा हो गया। दूसरा ऑन 23 जून 3 चेक्स वर ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब 12,000 का चेक इश्यू किया, 13,000 का इश्यू किया, 16,000 का इश्यू किया। द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट इन जून एंड द थर्ड वन इन जुलाई। बोलो प्रॉब्लम किसकी है? वेरी गुड, 16,000 इश्यूड है ना। आ जाओ आगे। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 3,600 वर डिपोजिट इन द बैंक बट नो एंट्री वॉज पोस्टेड इन द कैश बुक। हमने चेक जमा करवाया 3,600 का, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो क्या हुआ होगा? कितने से? 3,600। हाँ कोई बात, सुनो इधर कहा ट्वाइस हो गई। देखो आप, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, बैंक ने हमारे 50 रुपए काटे होंगे 50 रुपए बैंक चार्जेस को। हमने अपनी कैश बुक में क्या लिखा? 2 बार लिख दिया। अच्छा फिर बन भाई रुको, बैंक चार्जेस हम कैश बुक में किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इसका मतलब है ना क्या हुआ, द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपीज 50। इसको मैं ऐसे अगर सही लैंग्वेज में बोलू ना, हमने पेमेंट दिखाई ना बैंक चार्जेस, दिखाने थे 50 रुपए, दिखा कितने दिए? 100 रुपए, यानी हमने 50 फालतू दिखा दिए, तो क्या हुआ होगा? देखो सोचो यार, गलती नहीं करो। कैश बुक क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, हमने ज्यादा दिखा दी 50 की पेमेंट, हमने 50 रुपए की पेमेंट ज्यादा दिखा दी, तो क्या हुआ होगा? हम माइनस में होंगे 50 रुपए से और बैंक ओवरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट। द क्रेडिट साइड ऑफ, अभी भी किया है वो केस पर, द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, क्या हुआ उसमें? देख उसमें क्या हुआ, द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, किसको प्लस किया है? पासबुक को प्लस किया है और इसको माइनस किया है, ठीक है जी। आपने उल्टा करके दे दिया एंट्री भाई। अगली एंट्री क्या बोलता है? चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब लो इधर देखो, अब है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट। किसी से चेक रिसीव किया 3,200 का, एक बार ही आया ना चेक, 2 बार दिखा दिया, 3,200, 3,200, अब क्या हुआ होगा? हम प्लस में हो गए बैंक। लो अगर आंसर आ गया तो मैं ठीक, नहीं आया तो आप गलत। 6,000, 16,000 आ गया, 11,400 ये पता क्या है, आज आप जो है ना बच्चे भी शार्प हो, आप बच्चे जो भी नए नए अकाउंट सीख रहे हो, आप में वो है सीखने का, वो मतलब खुद कैलकुलेट करें। लेकिन आज से ठीक 5 साल अगर मुझसे मिलोगे तो मैं आपसे बोलूंगा ये प्लस करना, तो आप पता क्या करोगे, जेब से कैलकुलेटर निकालोगे तुरंत, क्योंकि जेब में रखकर घूमोगे आप, बीकॉम में अलाउड हो जाएगा ना कैलकुलेटर, फिर जेब में लेके घूमोगे। ये आदत इतनी गंदी है इसकी, ये तो फिर भी अभी ठीक हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
वहाँ तो ये हालात है कि 10+10 भी करना हो ना। अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा क्या बोल रहा है, अबे यार 20 हो गया, अरे अच्छा ठीक है यार 20 हो गया, ये वाले हालात है। इतनी गंदी आदत पड़ जाती है इसकी, तो बहुत गंदी आदत है इसकी, छूटती नहीं। ये पहले नहीं थी, पहले नहीं थी लेकिन अब पड़ गई है। तो कितना अलग क्या हुआ, 11,550 ये यार है लो। अभी पढ़े हैं 15 मिनट, अभी कर देते हैं लो 21 क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। आ जाओ लिख लोगे ना कौन सा बैलेंस आया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड देन आफ्टर दैट चैप्टर था भोग भेजेगा। आओ जल्दी से देखिए क्या बोलता है। ऑन 31 मार्च 2017 पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 25,000। देखो तीसरी बार ये ट्राई कर रहा है आपके साथ, आपको पागल बनाने की, नहीं बताता डेबिट क्रेडिट, मतलब फेवरेबल बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है कितना। चलो चेक्स ऑफ रुपीज 20,000 वर डिपोजिटेड इन बैंक ऑन 27 मार्च, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 5,000 वर क्लियर्ड ऑन 1 अप्रैल, रेस्ट आर नॉट क्लियर। ले देखिए कहानी, 20,000 के अंदर से 5,000 का चेक तो 1 अप्रैल को क्लियर हुआ, ये भी गलत है, और बाकी क्लियर हुए ही नहीं, इसका मतलब सारी गलत है भाई, 20 के 20 की गलती है। और कितने डिपोजिटेड यानी प्लस, ये देखो कैसे घुमा रहा है आप लोगों को, देखा आपने, लेकिन आप नहीं डरोगे मुझे मालूम है। 20,000 और यहाँ पूरी गलती है। आ जाओ आगे देखो क्या बोलता है। ऑन 28 मार्च 2017 चेक्स फॉर इश्यूड, इश्यूड किया तो मतलब चेक्स वर इश्यूड अमाउंटिंग टू रूपीज 15,000, हमने 15,000 के चेक इश्यू किए, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रूपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च, इसकी तो गलती नहीं है, ये तो गलती नहीं है, 12 सारी गलत है बाकी। फिर बोलता है, अच्छा फिर एक और चेक चेक ऑफ रूपीज 10,000 वर डिपोजिटेड इन द बैंक, डिपोजिट मैंने वर डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन 28 मार्च 2017, आउट ऑफ विच देखा सुनो इधर 4,000 का चेक तो अगले महीने में क्लियर हुआ, ये भी गलत है, और बाकी जो बचे हुए चेक थे वो डिसऑनर्ड हो गए, वो बाउंस हो गए, तो सुनो मेरी बात पूरे के पूरे 10 ही गलत हो गए, ये लो। लो आगे पढ़े क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमारे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने, डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक ऑफ रुपीज 800। अभी सुनो ना, बैंक ने हमारे लिए इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो क्या किया होगा बैंक ने, हमारे अकाउंट में प्लस कर देंगे कितने पैसे, 800। आगे क्या बोलता है, अब बी आर मीन्स बिल रिसीवेबल होता है, अब बी आर ऑफ 9,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो, एक बी आर था जो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब एक बिल था जो डिसऑनर्ड हो गया, अब हमने पैसा ऑलरेडी इसका खा चुके हैं हम, फाइन तो बोलो क्या हुआ होगा, हम प्लस में होते हैं माइनस में, कितने से, चलो और क्या बोलता है, बैंक हैज डेबिटेड रूपीज 1,500 एंड क्रेडिटेड 1,200। बैंक जब डेबिट करता है तो क्या करता है, कितने की डेबिट, हम प्लस में, और क्रेडिट करता है तो क्या करता है, पैसा देता है कितना, 1,200।
माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, आगे 65,500 ये आ रहा क्या? Yes, यही से स्टार्ट किया था, यही का बैलेंस ज्यादा आया तो क्या लिखा जाएगा? लो जी खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे किए, अच्छी तरह से समझा के किए। आई होप मैं आपको चैप्टर समझा पाया, अच्छे से समझा पाया। अब आप लोगों का सिर्फ इतना ही काम है कि आपको इसकी रिवीजन करनी है घर जाकर, और किसी भी हालत में आप जो मंडे का टेस्ट है, मंडे संडे का टेस्ट है, संडे का जो टेस्ट है उसे मिस मत करो। टेस्ट देने से पता लगता है कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, लेकिन इस दौरान कोई डाउट आपको आ जाए तो आप कल मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि कल शाम तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी, चलो मिलेंगे आगे, हो गया।